ये रोग और कीट सभी व्यावसायिक फसलों जैसे अनाजों, दालों, सब्जियों और फूलों पर आक्रमण करते हैं। प्याज और लहसुन भी इनके प्रकोप से अछूते नहीं हैं। हमारे देश में प्याज और लहसुन की कम उत्पादकता के प्रमुख कारकों में से एक कारक ये रोग और कीट हैं। इन जैविक कारकों के कारण प्याज और लहसुन की कुल उपज तथा कंदों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनकी खेती पर होने वाली लगभग 30% लागत रोगों व कीटों के प्रबंध पर खर्च होती है। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र राजगुरु नगर ने प्याज और लहसुन में समेकित रोग व कीट प्रबंध को उच्च प्राथमिकता देते हुए अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। प्याज व लहसुन को प्रभावित करने वाले इन प्रभावी प्रबंधन के लिए हमें इन बीमारियों व कीटों के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। इन रोगों व कीटों के मौसमी प्रकोप, जीवन चक्र और होने वाले नुकसान की प्रकृति से परिचित होना होगा। तो आइए प्याज और लहसुन को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख रोगों व कीटों से परिचित होते हैं। बैंगनी धब्बा। प्याज और लहसुन का पहला और सर्व प्रमुख रोग है बैंगनी धब्बा रोग। यद्यपि ये रोग सभी मौसमों में दिखाई देता है, परंतु खरीफ के मौसम में इसका प्रकोप अधिक होता है। ये रोग अल्टरनेरिया पोरी नामक फफूंद से होता है। रोग के लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पुरानी पत्तियों पर मुरझाए पीले रंग के लंबे धब्बे उभरते हैं, जिनका केंद्रीय भाग बैंगनी होता है। आखिरी अवस्थाओं में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं, परिणाम स्वरूप पौधा पूरी तरह सूख जाता है। काला धब्बा। काला धब्बा प्याज में होने वाला एक सामान्य रोग है। इसे सेवन ट्विस्टर रोग भी कहते हैं और इसका कारण कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइडीज नामक फफूंद है। इसका प्रकोप मुख्य रूप से खरीफ के मौसम में होता है। यदि इसका संक्रमण प्रारंभिक अवस्थाओं में हो जाए तो पौधे की जड़ का ऊपर का हिस्सा यानी गर्दन लंबी हो जाती है तथा पत्तियां मुरझाए पीले रंग की और वक्राकार हो जाती हैं। ऐसे पौधों में कंद नहीं बनते हैं। पत्तियों पर लंबे धब्बे दिखाई देते हैं, जिन पर काले रंग के संकेंद्रिक गोले बने होते हैं। बाद की अवस्थाओं में पत्तियां सिरे से लेकर आधार तक सूख जाती हैं। संक्रमित बल्ब अक्सर सड़ जाते हैं। गर्म और नम मौसम के साथ जल निकास की अच्छी व्यवस्था न होना इस रोग के फैलाव में सहायक सिद्ध होता है। सेमफीलियम झुलसा। ये प्याज और लहसुन का सबसे प्रमुख रोग है और इसका कारण स्टेमफीलियम वेसिकेरियम नामक फफूंद है। इस रोग के प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे हल्के पीले रंग के पनीले धब्बे बनते हैं। बाद में ये धब्बे आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और पूरी पत्ती की निचली सतह पर फैल जाते हैं, परिणाम स्वरूप पत्ती सूख जाती है और पौधा मर जाता है। उग्र प्रकोप की दशा में कंद का विकास रुक जाता है। फ्यूजेरियम सड़न। ये खरीफ प्याज का एक सामान्य रोग है।
जो खरीफ मौसम की फसल व बीज वाली फसल को प्रभावित करता है। ये रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम प्रजाति के कारण उत्पन्न होता है। इससे संक्रमित कंद सड़ जाते हैं और जड़ का हिस्सा पूरी तरह अलग हो जाता है। पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। संक्रमित पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ा जा सकता है। बीज वाली फसल में पुष्प गुच्छ सूख जाता है, जिससे बीज नहीं बन पाते। जल निकास की अच्छी व्यवस्था न होने से इस रोग को मिलता है। गुलाबी जड़। गुलाबी जड़ रोग का कारण पायरेनोकीटा टेरेस्ट्रियस नामक फफूंद है। ये रोग प्याज और लहसुन दोनों को प्रभावित करता है। इसमें जड़ें गुलाबी रंग की हो जाती हैं और तने का हिस्सा धूसर भूरा हो जाता है। फफूंद के प्रकोप से नई जड़ें निकलने लगती हैं और कंद पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते तथा खुदाई के बाद सड़ जाते हैं। खड़ी फसल में पौधों की पत्तियों के सिरे झुलसे हुए दिखाई देते हैं। आयरिस पीला धब्बा। आयरिस पीला धब्बा रोग टॉस्पो वायरस के कारण पनपता है और थ्रिप्स टबासी द्वारा फैलता है। इसके लक्षण पत्तियों की बजाय फूलों के डंठल पर अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रभावित पौधों पर भूरे रंग के शंक्वाकार या हीरे के आकार के धब्बे दिखाई देते हैं, जिनका बीज का हिस्सा हरा होता है। बाद की अवस्था में ये घाव मिलकर एक हो जाते हैं, जिससे फूलों का डंठल टूट जाता है और परिणाम स्वरूप बीज बिल्कुल नहीं बन पाते। इस रोग के नियंत्रण के लिए खेत में अच्छी साफ सफाई और थ्रिप्स का प्रभावी नियंत्रण करना चाहिए। भंडारण रोग। पत्तियों पर होने वाले रोगों के अलावा प्याज और लहसुन पर भंडारण के दौरान भी अनेक रोगों का प्रकोप होता है। काली फफूंद, ग्रीवा सड़न और आधार सड़न प्याज के प्रमुख रोग हैं, जबकि लहसुन पर काली फफूंद और मृदु सड़न का प्रकोप होता है। इन रोगों के कारण भंडारण के दौरान 10-15% नुकसान होता है। कंदों को भंडारण से पूर्व भलीभांति उपचारित नहीं करना और लगातार फसल लेना इन रोगों के प्रमुख कारण हैं। कीट एवं पीड़क। कीटों में प्याज का थ्रिप्स कीट, थ्रिप्स टबासी, प्याज और लहसुन के लिए सबसे खतरनाक कीट हैं। ये छोटे कीड़े सबसे भीतरी पत्तियों के अक्ष में इकट्ठा हो जाते हैं। इसके शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पत्ती पर सफेद चमकदार धब्बे बन जाते हैं। अधिक प्रकोप की दशा में धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पूरी पत्ती धब्बा युक्त दिखाई देने लगती है। यदि इस कीट का प्रकोप प्रारंभिक अवस्था में हो तो पत्ती तुड़ी मुड़ी दिखाई देती है। इस कीट के कारण रबी के मौसम में 50% तक नुकसान हो सकता है। बीज वाली फसल में थ्रिप्स फूलों को खा जाते हैं, जिससे पुष्प गुच्छ सूख जाता है। इसके अलावा ये थ्रिप्स विनाशकारी आयरिस पीला धब्बा रोग के वायरस फैलाने का काम भी करते हैं। थ्रिप्स द्वारा किया गया नुकसान बैंगनी धब्बा और स्टेमफिलियम झुलसा जैसे नुकसानदायक रोगों के संक्रमण का माध्यम भी बनता है। व्यापक अनुसंधान के बाद केंद्र ने थ्रिप्स के प्रभावकारी नियंत्रण और उपज पर इनके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए एक प्रभावी समेकित योजना तैयार की है। 7 वर्ष तक किए गए एक अध्ययन से पता चलता है
कि थ्रिप्स का प्रकोप साल में दो बार चरम पर पहुंचता है, एक तो अगस्त सितंबर में और दूसरा जनवरी फरवरी में। अध्ययन से ये भी पता चला कि गर्म और सूखा मौसम थ्रिप्स की संख्या तेजी से बढ़ाने में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर सितंबर अक्टूबर के दौरान रोपी गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की संभावना कम होती है, जिससे अधिक उपज प्राप्त होती है। इसके अलावा प्याज के पौधों तक थ्रिप्स की पहुंच रोकने के लिए खेत के चारों ओर मक्का की दो कतारें लगाई जा सकती हैं, या बाहर की कतार मक्का की लगाएं और भीतरी कतार गेहूं की लगा दें। इस सस्य क्रिया को अपनाकर कीटनाशकों के छिड़काव को न्यूनतम किया जा सकता है। थ्रिप्स की संख्या कंद बनने की अवस्था पर अधिक हो जाती है, इसलिए रोपाई के बाद 45 से 75 दिन के बीच की अवधि में थ्रिप्स का नियंत्रण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि प्रति पौधा थ्रिप्स की संख्या 30 से अधिक हो जाए तो इसे आर्थिक क्षति सीमा स्तर से अधिक माना जाता है और इस दशा में रसायनों का उपयोग अति आवश्यक हो जाता है। समेकित रोग व कीट प्रबंध। केंद्र के वैज्ञानिकों ने IPM का एक मॉडल विकसित किया है। इस मॉडल के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: दलहनों, अनाजों और फसलों के साथ लंबी अवधि के फसल चक्र, खरपतवारों तथा प्याज और लहसुन के अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट करना, बरसात के मौसम में जल निकास का उचित प्रबंध, कीटनाशकों का समुचित उपयोग। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए वानस्पतिक कीटनाशक और जैव कीटनाशक जैसे वर्टिसिलियम या बेवेरिया का उपयोग तथा मृदा जनित रोगों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जा सकता है। प्याज और लहसुन में रोगों के लिए सामान्यतया इन फफूंद नाशकों की सिफारिश की जाती है: कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति लीटर, मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर, क्लोरथैलोनिल 2.5 ग्राम प्रति लीटर, मेटालेक्सिल 2.5 ग्राम प्रति लीटर, वीटावैक्स 2 ग्राम प्रति लीटर, थायराम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार के लिए। थ्रिप्स के प्रबंध के लिए केंद्र द्वारा इन कीटनाशकों के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है: डाइमिथुएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर, प्रोफेनोफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, कार्बोसल्फान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर, साइपरमेथ्रिन 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर, मेथोमिल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, लैम्डा सेलोथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर। सही छिड़काव यंत्र से थ्रिप्स अच्छी तरह से बंद स्थानों में छिपे रहना पसंद करते हैं, इसलिए अधिक दाब के साथ हाई वॉल्यूम स्प्रे करना चाहिए ताकि कीटनाशक पौधे में छिपे थ्रिप्स तक प्रभावशाली ढंग से पहुंच सके। बेहतर नतीजों के लिए कीटनाशक का उपयुक्त सांद्रता वाला घोल इस्तेमाल करना चाहिए। छिड़काव घोल में चिपकने वाला पदार्थ भी मिलाना चाहिए ताकि रसायन अच्छी तरह से पूरे पौधे पर फैलकर अपना प्रभाव दिखा सके। कीड़ों के कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधिता रोकने के लिए इनका अदल बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए। छिड़काव यंत्र का चुनाव एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। एक अच्छे छिड़काव यंत्र से रिसाव नहीं होना चाहिए और उसमें होलोकोन नोजल लगा होना चाहिए। इससे फसल पर बहुत महीन और समान छिड़काव होता है। भंडारण के दौरान रोग प्रबंध। सिफारिश किए गए फफूंद नाशी का प्याज निकालने से पहले छिड़काव, उचित उपचार और कंदों को सुखाना, कंद के साथ 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंठल लगे रहने देना और भंडार गृह को
कार्बनडाजिम का छिड़काव करके रोगाणु मुक्त करना ऐसे कुछ उपाय हैं जो भंडारण के दौरान रोगों के प्रकोप को प्रभावी रूप से कम करते हैं। अभी तक किए गए प्रयासों से प्याज और लहसुन में रोग व कीट नियंत्रण को एक नई व सही दिशा मिल गई है। किसानों ने रोगों व कीटों के नियंत्रण के लिए प्रभावशाली उपाय सीख लिए हैं और बेहतर उपज का लाभ उठा रहे हैं।